हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और वेलकम है आप लोगों का आप लोगों के यूट्यूब चैनल श्वेता क्रिएटिव गार्डन में। तो फ्रेंड, मैं कुछ विंटर के सीड्स मंगवाई हूँ ऑनलाइन, तो उसी की वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि मैं कौन कौन से सीड मंगवाई हूँ। तो ऑनलाइन सीड्स मैं फर्स्ट बार मंगा रही हूँ। तो और एक देखिए, ये कोकोपीट की भी एक पैकेट मंगवाई हूँ, तो इसका भी प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैं सीड आप लोगों को दिखा लेती हूँ। तो मैं यूट्यूब से देख के इन सेलर का नंबर मुझे मिला था और मैं उनसे कॉन्टेक्ट करके और कुछ सीड मंगवाई हूँ। तो दिखा देती हूँ आप लोगों की कौन कौन से सीड्स हैं और कितने में मुझे पड़े। तो देखिए, इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और बहुत जल्दी मुझे मिल गए सीड्स, 2 से 3 दिन में आ जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो भेजते हैं। तो देखिए, ये है डेजी वेल्स का, वो गिफ्ट में दिए हैं। तो कोई भी सीड्स अगर आप मंगाते हैं या फिर कोई पौधा, तो वो गिफ्ट में कुछ ना कुछ देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जेरेनियम का सीड्स है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खोल खोल के सभी को कि कैसे इन सब के सीड्स हैं। और यहाँ पर देखिए, पिटोनिया डबल पेटल वाली की, डबल पेटल वाला है ये। इसके फ्लावर काफ़ी खूबसूरत होता है, बड़ा बड़ा साइज का, बिल्कुल रोज के जैसा दिखता है। तो मेरे पास पिछले साल डबल पेटल का नहीं था, सिंगल पेटल का ही था, स्टार पिटोनिया था। तो यहाँ पर ये सब नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैं इन सब सीड मंगाई हूँ। तो देखिए, जेरेनियम के यहाँ पर 10 सीड्स हैं, 10 सीड। और यहाँ पर देखिए, ये वाला है डबल पेटल वाला पिटोनिया। तो इसके सीड काफ़ी छोटे छोटे आते हैं, आपको मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। तो आप जब इनको हाथ में लीजिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगी इनके सीड इतने छोटे साइज के आते हैं। तो ठंड के सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। और डबल पेटल वाली तो मैं जब से देखूँ तब से मुझे मन था कि मैं भी इनको लगाऊँ, तो इस साल मैं इसीलिए इनका सीड मंगा ली हूँ। और ये मिक्स कलर में है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर। तो देखिए कितने छोटे साइज के हैं, ये देखिए। तो इन सबको बहुत सावधानी से आपको जर्मिनेशन के लिए देना होगा। तो फर्स्ट बार मैं इन सबको जर्मिनेट करूँगी, देखती हूँ क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए, होली हॉक का है ये। तो इसके भी फ्लावर काफ़ी खूबसूरत होते हैं, देखिए होली हॉक के सीड्स थोड़ा ज़्यादा दिए हैं वो। तो मैं इन सबको भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, तो ये सब पौधे यहाँ मिलते भी नहीं हैं, सीडलिंग भी नहीं मिलते हैं और ना ही पौधे मिलते हैं। तो जहाँ से मैं हूँ, यहाँ छोटा सा शहर है, तो सभी तरह के फ्लावर नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए, ये स्टार पिटोनिया है, तो इसके भी सीडलिंग सेम वैसे ही है, छोटे छोटे पूरे। और यहाँ पर कुछ मैरीगोल्ड के सीड मंगाई हूँ। तो देखिए, इतने में 5 फ्लावर के सीड्स मंगाई हूँ। तो देखिए, जैसे मैरीगोल्ड है, जेरेनियम है, होली हॉक है और पिटोनिया के हैं 2 वेराइटी। और 5 सीड मंगाए हैं और उन्होंने 3 सीड फ्री में दिए हैं। तो 3 सीड में से एक पिटोनिया का मिक्स वाला वेराइटी है और एक एलाइसम का है वाइट वाला। तो इन सबको भी मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, एक डेजी वेल्स का है और एक देखिए एलाइसम का वाइट वेराइटी का है, वाइट कलर का फ्लावर आते हैं इसमें। और एक ये देखिए मिक्स वाला पिटोनिया है इसमें। तो बस यही कुछ सीडलिंग हैं। और ये मुझे कितने में पड़े फ्रेंड, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये मुझे 250 रुपये में सीड्स पड़े 5ों। और यहाँ पर देखिए, एक कोकोपीट का भी मैं पैकेट मंगाई हूँ, इसे भी मैं खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि इस टाइप का पैकेट वाली कोकोपीट फर्स्ट बार मंगा रही हूँ ऑनलाइन। तो इससे पहले मैं मंगाई थी तो वो
अच्छी क्वालिटी था, इससे अच्छी क्वालिटी का था। इसकी क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए मुझे ये कोकोपीट ठीक नहीं लगी। तो चलिए मैं खोल लेती हूँ पहले अच्छा से इसको। तो आप कोकोपीट कभी भी मंगाइएगा तो सबसे पहले तो कोकोपीट को आप पानी में 2 या 3 पानी से धो लीजिएगा, फिर आप सुखा के मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर ऐसे भी मिला सकते हैं आप, अगर आपको तुरंत मिट्टी में मिलानी है तो। लेकिन धोने से उसका जो नमक वाला मात्रा रहता है वो हट जाता है, तो पौधे के लिए अच्छा होता है। तो देखिए इसके उतने अच्छे क्वालिटी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मिट्टी में मिलाने के लिए ठीक है, काम आएंगे। लेकिन सीड जर्मिनेशन के लिए मुझे उतने ठीक नहीं लगे ये। तो ये मुझे 200 पड़े और डिलीवरी चार्ज इसका नहीं लगा क्योंकि ये फ्री डिलीवरी चार्ज था। तो बस यही कुछ आज की शॉपिंग थी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसका जो मैं सीड जर्मिनेशन का वीडियो भी जल्द ही लाऊंगी। तो बाय फ्रेंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।